याद उसी की आ रही है जो हमारा है। अच्छा, जो हमारा नहीं उसकी याद आती है? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी आबादी है, जो हमारा नहीं है उसकी याद आती है? क्या ख्याल है आपका? आती क्यों नहीं? तमाम दृश्य आप देखते हुए आसन हमारे ही मेरी याद नहीं आती। याद नहीं आती, याद भी आती है कभी कभी, ध्यान बैठते हैं, कभी भारत माता करने भी आएगा, कभी परमार से याद आएगा, और कभी सत्कर्मी याद आएंगे, वो अपने नहीं है, याद आते ही नहीं आते। अरे भाई, इंद्रियों के द्वारा जो रूप भर गए हैं, कानों के द्वारा जो शब्द भर गए हैं, रसना के द्वारा जो स्वाद भर गए हैं, याद तो नहीं है, लेकिन अगर मिठाई अच्छी होती है जलेबी लड्डू याद आते ही नहीं। याद देखे हुए की, सुने हुए की, भोगे हुए की, तीन यादें आती। माने हुए की तो और आगे की बात, सुना है आप ध्यान बैठे, ध्यान जब बैठते हैं तो ये कहाँ चंचल होता है बताओ? केवल ये नहीं कि आपका परिवार भी मन चंचल है ना, मालूम कहीं फिर शायद क्या करते हो, जब ध्यान बैठते हैं तो पता नहीं जाने कहाँ कहाँ की बातें, ऐसा कहते हैं कि नहीं, तो कहाँ कहाँ की बातें आ जाते हैं, उनसे आपका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, कोई संबंधी नहीं है, कोई प्रीति नहीं है, और फिर भी याद आती है। जाने कौन कौन जिसको कभी देखा सुना नहीं कहते, वो भी याद आता है, मन चंचल हो जाता है, वो कौन है? सुना हुआ, देखा हुआ, भूला हुआ, तीन स्मृतियां रहती है। और उस समय अगर याद आ जाए कि याद आ रही है सुने हुए की, भोगे हुए की, देखे हुए की, याद कौन कर रहा है? मैं ही, बस इतना याद रहेगा आपसे। भगवान के बीच में मत पुकारना, क्योंकि मैं कह देना याद करने वाला मैं हूँ, मैं कौन हूँ? कभी सुना है, कभी देखा है, कभी भोगा है, उससे मन का संबंध जुड़ा हुआ है, इस समय न भोग है, न देखना है, न सुनना है, तो याद ही सही, भोग नहीं है, क्योंकि भोगे हुए की, सुने हुए की याद आ रही ना। अब उस समय अगर लौटना है तो इतना ही कह दो, याद कौन कर रहा है? नहीं, हम याद कर रहे हैं। हम कौन है? अब ये प्रश्न आएगा, हम कौन है, तो क्या उत्तर होगा उस समय? जब तुम ये कहोगे कि याद करने वाले हम हैं, और भगवान का ध्यान कर रहे थे, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, और याद आ गई जाने कहाँ कहाँ की, सुने हुए की, अमेरिका को देखा नहीं लेकिन सुन लिया है, वहाँ ऐसे 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 मिलने के भवन किसी की याद आ गई, कहीं समुद्र की याद आ गई, कहीं किसी घटना की याद आ गई, कहीं तूफान की याद आ गई, अखबार में पढ़ लिया समुद्र में तूफान आया और इतने हजार आदमी मर गए, अब उसकी याद आ गई, बताओ तुम्हारा संबंध की याद आती ही नहीं। तब कहते हो क्या बताओ, लेना लेना जाने कहाँ की बातें याद आती। उस समय एक ही युक्ति है, जब याद आए तो याद को तो छोड़ो, याद करने वाला कौन है? बस ठहर जाओ, हम उसमें भगवान की याद मत करो, हे भगवान दया करो, ये याद हटा दो, काम में बंद कर देना, भगवान तुम्हारी भी याद पहले चाहिए तो प्रार्थना करो, बड़े ना ये कभी भाई नहीं है। इसलिए जब याद आवे तो हम में ठहरो। हम में ठहरने के बाद एक प्रश्न बड़ा गंभीर है अच्छे साधकों के लिए। अच्छे साधक का मतलब जो विचारशील है, और गलत साधक का मतलब जो बने पड़े, उनका मन भरा पड़ा है। अच्छे साधकों को इसी समय सावधान हो जाना चाहिए, ये हम याद करने वाले हैं और उसकी याद आई है, ये पहले कभी सुना है, देखा है, भोगा है। अब क्या करो, हम पर ठहरो। हम क्या है पता नहीं, ये हम जो कह रहा है हमें याद आ रहे हैं, आप हम कौन है, क्या उत्तर होगा आपका? याद कर रहा है वो, याद कर रहा है लेकिन उसका स्वरूप क्या है? भोग मात्र। इधर आ गए भाई। अच्छा, जो याद कर रहा है उस हम, बोध भी न कहो, ज्ञान कहो, हम ज्ञान है, और ज्ञान में स्मृतियां भर गई है, विनाशी की स्मृति याद आ रही है, जो नहीं है उसकी याद आ रही है, हमारे पीछे भूत पड़ा हुआ है, भूत सवार हो जाए किसी पर तो झाड़ना पड़ता है कि नहीं? सुना है देहातों में भूत प्रेत कभी देहातों में चुड़ैलने आती है स्त्री तो उनके फिर झाड़ने वाले होते हैं, मंत्र पढ़ने वाले होते हैं, तो हमारे सबके पीछे भूत लगा है कि नहीं? बीती हुई याद आई तो भूत लगा है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? इस भूत को कभी आपने ध्यान से देखा? और ये भूत कितनी शक्ति नष्ट कर रहा है, मेरी जरा विरोध की बात नहीं है, भूत कितनी शक्ति हवन बर्बाद कर रहा है, ये भूत कितना समय बर्बाद कर रहा है, शक्ति समय भूत कर रहा है कि नहीं? आगे की चिंता में तो दूसरे तत्व है, लेकिन भूत में शक्ति और समय दोनों नष्ट होते हैं, समय नष्ट होता है और मन फंसा, शक्ति भी समय लग जाती है।
ये भूत जो लगा है ये शक्ति समय देने को बर्बाद कर रहा है और इसको हम ध्यान से देखते नहीं और शिकायत करते भगवान के ध्यान में मन नहीं लगता, ये मन कभी नहीं लगने देता भूत की और कोई कभी सोचा भगवान के भजन में कभी नहीं लगने देता भूत और कभी नहीं लगता प्रेत, जो प्रेरित करे वो प्रेत है और जो पीछे खींचे वो भूत है। प्रेत का मतलब प्रेत का संबंध किससे, भविष्य से, भविष्य का याद आई और प्रेरित कर रहा है ये कैसे प्राप्त हो, यहाँ जाना है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आगे की चिंता है, ये प्रेत है और बीते की याद भूत है। भूत प्रेत हमारे जीवन लगेगी कि नहीं लगे, लगेगी नहीं, अब बताओ। यहाँ जब भी काम नहीं देता, कीर्तन भी काम नहीं देता, पूजा भी काम नहीं देती, पाठ भी काम नहीं देते, बद्रीनाम होया है, सत्संग कर रहे हैं, गुरु महात्मा भी काम नहीं देते, ये कहना गुरु काम नहीं देते, हमारे माने हुए गुरु, गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु का स्वरूप बड़ा विलक्षण है, लेकिन हमने किस सीमा में गुरु को पकड़ रखा है अपने ढंग से, वो गुरु भी काम नहीं देते, आंख बंद करते हैं गुरु का ध्यान करते हैं, भूत निकला कि भाई भूत उतरा, प्रेत छूटा, प्रेत का मतलब है जो प्रेरित करे आगे प्राप्त करने के लिए, रक्षा के लिए, भविष्य, भविष्य, भविष्य के लिए प्रेरित कर रहा है, क्या प्रेरित कर रहा है, जो नहीं है वो कैसे मिले, ये प्रेरित कर रहा है प्रेत, और जो मिला है कैसे बचे, ये तैयारी कर रहा है प्रेत, प्रेत चला है कि नहीं, और याद जो आ रही है बीते हुए कि वो कौन है, भूत, ये भूत प्रेत दो चीजें हमारे साथ चल रही है, ये किस पर चढ़े हैं, हम शब्द कहो और हम पर तुरंत ध्यान से देखो, हम भूत से घिरा है बीते हुए से, हम प्रेत से घिरा है आगे के चिंतन से, कैसे बचे कैसे मिले। अब दोनों को हटाना है तो बड़ी सुंदर युक्ति, दोनों को हटाना है तो बड़ा सुंदर मंत्र है, क्या, हम कहते ही हम कहाँ हैं, बस ये ध्यान से देखना शुरू कर दें, तो हमारे भीतर जो है वो संसार का है, हम जहाँ हैं वो परमात्मा है, हम जहाँ हैं वो क्या है, परमात्मा से अलग अतिरिक्त, परमात्मा की चेतना से भिन्न, शक्ति से भिन्न, आनंद से भिन्न, हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, हम हैं अनंत अखंड चेतन में और हमारा है क्षण क्षण बदलने वाले संसार में, ज्यादा व्याख्या तो नहीं करनी पड़ेगी, इस समय हम वर्तमान में हैं तो वर्तमान ही, इस समय आप वर्तमान में तो हो, लेकिन जो कह रहा है इस समय हम वर्तमान में हैं, ये वर्तमान में हम है, हम है, हम वर्तमान में हैं, अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान कहीं भूत से भविष्य ढका हुआ तो नहीं है, भाई देखने की बात है, कहते भी है वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान ही तो भूत और भविष्य ढल जाता है, वर्तमान ही तो स्मृतियों से ढल जाता है, वर्तमान ही तो कामनाओं से ढल जाता है, अब क्या करेंगे, इसलिए हम को पकड़ लो, ये हम रस बड़ा छोटा सा पेड़ बिंदु है, जैसे समुद्र में कोई समुद्र में एक बिंदु है और बिंदु अपने को पकड़ ले तो कहाँ पाएगा, समुद्र में पाएगा कि नहीं, सूर्य में किरण है, किरण, और किरण अपने को पकड़ ले, लेकिन किरण अपने से जो प्रकाशित देखती है उससे अपना संबंध तोड़ ले, इसका नाम मृत्यु हो गया, किरण ही के किरण के प्रकाश में ही तो वस्तु प्रकाशित होती है, अंधेरा है और किरण भीतर घुसी तो जो कमरे में था दिख गया कि नहीं, किरण से दिखाना, प्रकाश से दिखाना, तो प्रकाश में जो दिखता है वो प्रकाश में किरण से दिखता है ना, तो किरण जब अपने प्रकाश में किसी वस्तु को देखती है, किसी रंग को देखती है, किसी रंगीन कांच को देखती है, तो कांच में किरण हो जाती है कि नहीं, और कांच में किरण हो करके अपने को लाल पीली नीली कहती है कि नहीं, और कांच टूटता है तो उसका रंग छूटता है कि नहीं, और रंग छूटता है तो किरण शोक विलाप करती है कि नहीं, आज हमारी यही दशा, क्या ख्याल है आपने, आपने अपने ही चेतन प्रकाश में जिसे मेरा माना है, आप ही के प्रकाश से तो प्रकाशित है, मेरा कहा तो ज्ञान में ही तो प्रकाशित हुआ, मेरा ज्ञान में ही तो मेरा कहा, और जिसे ज्ञान में मेरा कहा वही एक दिन ज्ञान में दिखता हाय छूट गया, ये कौन कह रहा है हाय, जो ज्ञान में मेरा पकड़े हुए था वही कह रहा है हाय छूट गया, और ज्ञान अपने वास्तविकता को अपने स्वरूप को भूल गया, वो जिसका है जिसमें है उसे भूल गया, ये विस्मृत देश कब दूर होगा, इसका नाम है जब दूर हो जाए किसी का नाम है सिद्धि, इसी का नाम है योग, इसी का नाम है समाज, लेकिन अभी तक दूर नहीं होगा, बड़े थोड़े शब्दों में पीछे लौट करके आप समझ लें, हम कहो, हम कहने के बाद हम का स्वरूप क्या बताया,
देश हम बैठे तो हैं तो देश से मिल गए, हम दुखी हैं सुखी हैं तो मन से मिल गए, हम ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख हैं तो बुद्धि से मिल गए, मिल गए ना, हम गुरु हैं शिष्य हैं संबंध से मिल गए, परिवार से मिल गए, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं तो संबंधियों से मिल गए, हम हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध हैं तो किससे मिल गए, अपनी मान्यताओं से मिल मिल करके मेरा मेरा मेन मेरा सेवन करके ले कह रहे हैं। सबसे असंग होकर के बताओ तुम कौन हो, सब संग छोड़ करके सब संबंध तोड़ करके बताओ तुम कौन हो, तुम बता दो। केवल ज्ञान बात ज्ञान ज्ञान में सब भर गया है। अज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान में कुछ आ जाने का नाम अज्ञान है, ज्ञान में कुछ आ गया और जो आ गया उससे ज्ञान ढक गया, अब ज्ञान से जो देखा जाता है वही दिखेगा, ज्ञान गुजर गया यही रह जाएगा, ज्ञान में मेरा आ गया तो ज्ञान ढक गया कि नहीं, और मेरा हट गया तो केवल ज्ञान रह गया कि नहीं, अब केवल ज्ञान रह गया उस समय देखो अब मैं कहाँ हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप कहाँ हूँ, ये है योग का द्वार। केवल इतना ही शब्द पकड़ लो, हम हमारा जहाँ कहा तो संसार, मेरा खत्म हुआ संसार खत्म हुआ, अब रह गए हम कहाँ हैं, अब ध्यान से देखो इसका नाम समाधि सत्य या योग का द्वार, हम कहाँ हम किससे संबंधित हैं, नित्य संबंध जोड़ना नहीं हम हैं ही लेकिन हम कहाँ हैं, ये विचार छूट जाता है, ये अगर याद रह जाए ये स्मृत बन गए तो योग निरंतर सुलभ। अरे कहाँ चले गए तुम, आनंद पहले अपनी अनुभूति तो करो फिर वही लौट जाते हैं शब्द में, ये शब्द बड़ा गड़बड़ करते हैं, हमने इतना सुन लिया है इतना पढ़ लिया है इतना ज्ञान में भर गया है कि बीच बीच में ही आकर के कहीं आनंद आ जाएगा। यदि भूत भविष्य वर्तमान से न ढका हुआ हो, भूत भविष्य में वर्तमान न ढका हुआ हो वर्तमान, इसका मतलब वर्तमान में आप ही तो है, यदि हम भूत और भविष्य में संबंधित नहीं है तो फिर हम हैं, हम हैं फिर प्रश्न हल करो हम कहाँ हैं, हम शब्द का वेद कहाँ से किसमें हो रहा है, देह में हो रहा है तो गलत हो गए, धन में हो रहा है तभी हो रहा है, परिवार में हो रहा है तो गलत हो, हम के आगे कुछ नहीं रह गया है, बस ठहर जाओ किसी से पूछना मत, अगर उत्तर कोई देगा तो शायद गलत हो जाएगा, हम ठहर जाओ हमारा हटा दो मेरा हटा दो फिर किसी से भी पूछो, आप वेद की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो है उसी की अनुभूति हो जाएगी, ये अपने आप होगा किसी के द्वारा न होगा, यही वेद है। आज की चर्चा में आपको ये बड़े गुरु वाक्य मिले, ये पथिक के वाक्य नहीं है, ये गुरु वाक्य सनातन से ही चले आ रहे हैं, जो इनको पकड़ लेता है नहीं पकड़ पाता है धोखा कर लेता है। अरे इसका उत्तर मत पूछो, उत्तर पूछोगे तो फिर भटक जाओगे, फिर जब नहीं तुम हो तो किसी से पूछने की जरूरत है कहाँ है, एक शब्द याद रखना तुम हो लेकिन मेरा हटा देना और फिर सोचना अब हम कहाँ है, मेरा नाम है पावे बीच में भूत प्रेत नाम है पावे बीच में, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा ठहरे तो, और दूसरा उत्तर देगा फिर याद कर लोगे, अभी तुम जितने प्रश्न करते हो यार इसमें तुम भरेंगे इस तरह के शब्द पूछते हो, कहीं गीता के कहीं उपनिषद के कहीं भागवत के, हम कहते हैं किसी की जरूरत नहीं है, आप तो है ही, आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रमाण जो कि हम हैं, भगवान को चाहोगे तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, हम हैं इसके प्रमाण की जरूरत नहीं, हमारा होना ही सिद्ध है, अब प्रश्न कर दो मेरा हटा करके फिर हम क्या बचेंगे, ये अब साधना करो तुम्हें करो, मेरा हटा कर तुम क्या बचे, भटको नहीं ज्यादा, अभी जब उतरी आओ तो लौट के करना, देवी आ रहे कहीं जिसके संकल्प होते उसकी पूर्ति वही नहीं जानते, सात पूरी देखिया देखी चारों धाम कल्पी चौधरी सी पक्षी मरे घट ही में है राम, वो विश्वास नहीं है संत के वाक्य का, चलो देख रही शांति मिलेगी गंगोत्री में, शांति मिलेगी बद्रीनाथ धाम में, शांति मिलेगी जो कहीं गई नहीं है कहीं मिलेगी, गई होती तो मिल जाती, खोई होती तो पा लेते, क्या मेरे है। अच्छा बहुत हो चुका, गर्दन अपनी काटी है ये, आप ही सिया सिया न सिया फिर किसी को क्या, तुम्हें क्या पड़ी हम सिए न सिए, तुम बंधे तुम्हें तुम कौन होते हैं संदेश देने वाले, आप ही सिया सिया न सिया फिर किसी को क्या, आपका बनाया हुआ बंधन है, स्वतंत्र हो स्वतंत्र से स्वतंत्र होने के कारण तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें किसी ने स्वतंत्र बनाया नहीं तुम ही बने हो, और तुम्हें कोई मुक्त करेगा भी नहीं, तुम मुक्त हो तो हो नहीं कोई करेगा भी नहीं, अगर गुरु कर सकते तब तक कर देते,
भगवान कभी हम कर सकते तो कर देते, हमारी शब्द खटक तो नहीं गए। तुमने जो किया है तुम्हें को हटाना पड़ेगा। उसका ये बेईमान नहीं है कि तुम्हारी की हुई वस्तु को छीने। हमारा भगवान बड़ा ईमानदार है, तुमने जो बनाया है कभी नहीं छीनेगा। लेकिन उसका जो है उसको तुम रख नहीं सकते, अहंकार रख नहीं सकता। वो कहता है भाई अपनी चीज पर कब्जा करो, हमारा जो है उस पर नियम काम करेगा। तुम्हारा है तुम्हारा नियम न छीनेंगे, लेकिन जिससे लोभ करते हो वो न रहेगा। तुम्हारा लोभ हम न छीनेंगे, इसलिए धन को तुम अपना मानते हो वो नहीं रहेगा। तुम्हारी ममता हम छीनेंगे, लेकिन तुम तन को अपना मानते हो नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? अगर याद नहीं है तो आज सुन लो, मोह रूपी दलदल का पर्दा, मोह रूपी दलदल कैसे छूटेगा? एकमात्र उपाय है, संत कहते हैं, संत बिन सत्संग न, हमारी कथा तिहुन मोहन भाग। सत्संग से सत कथा, सत्य सत्य बात सुनने पर मोह भाग जाता है। मोह निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, पहले सोचो मोह हुआ से कहां से, बड़ा सरल उत्तर, कहां से हुआ? जहां से मेरा माना, मेरा माना वहीं से मोह शुरू हो गया। हुआ गया, हो गया कि नहीं? अब बड़ा सरल उत्तर है, बड़ा सरल उपाय है, अभी से मेरा मानना छोड़ दो, मोह समाप्त हो जाएगा। न उल्टा खड़े होना है, न कहीं जाना है, न कुछ पकड़ना है, न छोड़ना है। मेरा मत मानो, मोह समाप्त। मेरा मानोगे तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, तब भी मोह न जाएगा। अर्जुन के हो रहे थे, मोह न जाएगा। क्यों भाई, किसका प्रश्न है? संतोष हुआ मेरा न मानो। और तुम पूछोगे मेरा कैसे न माने? तो कैसे न माने, वैसे ही न मानो जैसे मेरा माना है। मेरा माना है सुन करके, और तो कुछ नहीं। किसी ने कह दिया बेटा हम तुम्हारी माँ है, तुम्हारे चाचा है, पिता है, दादा है, भूमि है, भवन है, धन है, दुकान है, बाजार, सब मेरा मान लिया सुन करके। बेटा तुम्हारा आवाज हम कहते हैं क्या? ये तुम्हारा कुछ नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? करो विवाद हमसे, लगाओ कोशिश, सिद्ध कर दो कि मेरा है। चलेगा, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल अभी तो बिना समझे तुमने मेरा मान लिया, विचार ही नहीं किया। आज विचार कर लो, तुम्हारा इसलिए नहीं है, तुम्हारा इसलिए नहीं कि तुमने बनाया नहीं, तुम्हारा इसलिए नहीं है कि तुमने जिसे मेरा कहते उसने बनाया नहीं, उसे बनाया नहीं। अच्छा अब बताओ, तुम्हारे पास उत्तर होंगे। तुम जिसे मेरा कहते हो कहो मेरा, और फिर हम कहेंगे बताओ तुमने बनाया है। प्रश्नकर्ता बता दें ऐसा क्या है तुमने बनाया है जिसे तुम मेरा कहते हो, कि चले गए? प्रश्नकर्ता ऐसा बता दो कि तुम जो मेरा कहते हो तुमने बनाया हो, जल्दी बोलो। हमारे डर के नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ छीन लेंगे, साबित ही नहीं कर सकते। अगर तुम कहो मकान हमने बनाया है, गलत। जमीन जायदाद हमने ली है, वो भी गलत। शरीर तो तुमने बनाया नहीं। किसी शरीर को तुम पत्नी कहते हो, पति कहते हो, माता कहते हो, पिता कहते हो, तुम कहते हो, लेकिन तुमने बनाया क्या उसमें? शरीर बनाया माता का शरीर, पिता का शरीर। अच्छा तुमने तो अपने बालक पुत्र का शरीर बनाया होगा, किसी दिन हाथ किसी दिन पैर बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, अपने मेरा पुत्र कहे चले जा रहे हो, बेईमानी की ईमानदारी। आज से तो बेईमानी छोड़ दो, संबंधी नहीं छोड़ना है, माता पिता पुत्र पत्नी नहीं छोड़ना है, पति नहीं छोड़ना है, बेईमानी छोड़ देनी है। बेईमानी क्या, जो तुमने बनाया नहीं तुम क्यों उसे मानते? मेरा मेरा, मेरा। बड़े मजे से रहो, जब तक रहे तब तक रहो, क्या सुंदर रहो, बड़ी मौज से रहो, सुख भी मानो, क्यों सुख तुमने माना है नहीं मानते हो कोई गलत, लेकिन बेईमानी तो छोड़ दो। तो भाई छोड़ दोगे कि नहीं? छोड़ दोगे कि नहीं? बोलते नहीं है, छोड़ देंगे। हाँ, तुम्हारी बंद हो जाए। यहाँ इतने इतने बड़े कमरों में रहते हो, पंखा है, बिजली है, रहते हो कि नहीं? अब मेरा मानते हो? जब छोड़ोगे तो हाय हाय करोगे। अब घर से तार आ जाए, भूकंप आया, तुम्हारा घर गिर गया था, कैसा लगे? और घर गिर गया, और घर में लड़का दब गया या पत्नी दब गई, तो आज की बात याद आएगी? पति ने कहा था तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारी बात का क्या गया, याद आएगा? तैयार हो ना? आप बड़े कहीं कि नहीं?
महाराज लोग निवृत्ति का बड़ा सरल सरल उपाय है, जिस प्रकार तुमने सुन करके मेरा माना है बिना जाने, आज सुन लो जान करके मेरा न मानो। जाना क्या, धोखा था, मैंने समझा न था, मेरा मान लिया। आज समझ में आ गया मेरा कुछ नहीं, तो मैंने बनाया नहीं एक शब्द, मेरा इसलिए नहीं मुझे छोड़ देगा दो शब्द, मेरा नहीं मेरा अधिकार नहीं है तीन शब्द। अब हो गई कि नहीं, कोई जान भी न पाएगा वो कब छूटा, लोग कब छूटा, अभिमान कब छूटा, हमारा आत्मा अपने को अभी अभी से मुक्त पा सकते हैं। केवल इतना ही, जिसे मेरा कहते हैं उसे भीतर से ऊपर पर कहते हैं, भीतर से मेरा। बहुत सावधान होकर के समझ लेना है, तन की खुराक दूसरी होती है, मन की खुराक तीसरी होती है, बुद्धि की खुराक चौथी होती है, अहंकार की खुराक। खुराक तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी। हर एक साधक को ये देखते रहना चाहिए, तन की खुराक तमोगुणी दे रहे हैं कि रजोगुणी की सतोगुणी, मन की खुराक तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी, और बुद्धि की खुराक तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी, अहंकार की खुराक बड़ी लंबी व्याख्या है इसकी। अब तीन खुराकों में कौन सी खुराक की बात हम करें, सब तो हो न पाए। कौन सी खुराक, किसी का तो जीवन बीत गया, तन की खुराक दे दे देते अब क्या सुधार करेगा, जीवन बीत गया मन की खुराक देते देते अब समय बहुत थोड़ा है कहां सुधार होगा। हाँ, बुद्धि की खुराक में परिवर्तन अभी हो सकता है, जैसे यहां भी आपको बुद्धि की खुराक मिल रही, मन की खुराक मिल रही, बुद्धि पल ले गया। आप यहां सत्संग कर रहे हो, कोई जूता उठा ले जाए तो कैसा लगे, गुस्सा आएगा कि नहीं, और चप्पल जूता ले जाने वाला मिल जाए तो क्या दशा होगी, क्या असर है। लेकिन वो चप्पल जूता छड़ी और छाता और धन और जमीन ले जाने में जो परिणाम बड़े बड़े भजन करने वालों के ऊपर जो हो रहा है, वो कभी सोचते हैं कि सामान के पीछे, चोरी के पीछे, धनहान के पीछे, घड़ी जाने के पीछे, सोने की चूड़ी चले जाने के पीछे जो हमारी मन व्यथित हो रहा है, कौन व्यथित कर रहा है, चोर की लोग, किसी को याद आता है कि लोग हमें परेशान कर रहा है, और उस समय संतोष धारण करने में कितना पैसा खर्च होगा, कितना रुपया खर्च होगा, भूमि चली गई, धन चला गया, परिवार का प्रिय संबंधी चला गया, और हमारा विवेक अगर जागृत है तो परमात्मा तो नहीं चला गया ये कहेगा, परमात्मा का ज्ञान तो नहीं चला गया ये सोचेगा, परमात्मा के गुण तो चोर साधु नहीं छीन ले गए ये सोचेगा। आप लोग ऐसा सोचो तब हम कहेंगे आप भगवान का आदर करते हो, भगवान की परवाह करते हो, और अभी क्या परवाह है, लोग क्या कहेंगे, और दैवी संपदा की हानि हो रही है, गुरुजन क्या कहेंगे, ये फिक्र नहीं। हमारी सरलता में, हमारी नम्रता में, हमारी उदारता में, हमारी सहनशीलता में बाधा पड़ गई, गुरुजन क्या कहेंगे इसकी ये प्रश्न ही नहीं उठता, लोग क्या कहेंगे इसकी बड़ी परवाह। आज का साधक यहां भूला हुआ है, आप लोगों को इशारा किया जा रहा है कि अब से सही, आज से शुरू की दैवी संपदा की ज्यादा परवाह करो, सांसारिक संपदा के पीछे दैवी संपदा की क्षति हो रही है। बड़े शांत थे, रोध आ गया, निंदा होने लग गई, घृणा हो गई, क्या क्या हो गया, और यह ना सोचा कि हमारी ये दशा में संत जन किस दृष्टि से देखते होंगे, जरा भी प्रश्न नहीं कि संत कैसे देखते होंगे, हमारी लोभ की वृत्ति को, मोह की वृत्ति को, ईमान की वृत्ति को, क्रोध की वृत्ति को, ईर्षा द्वेष की वृत्ति को गुरुजन कैसे देखते होंगे, प्रश्न ही नहीं उठता, गुरुजन क्या कहेंगे, प्रश्न उठता है लोभ क्या है, ये दोष सब में कि नहीं। आज से सही सावधान हो जाओगे, दैवी संपदा की रक्षा में तुम्हें कोई हानि न उठानी पड़ेगी, और सांसारिक संपदा की रक्षा में हानि तो निश्चित है, बच ही नहीं सकता, बच सकता है। तो धन की का संचय करते करते धन के लोग ही मर जाते हैं,
किंतु परम प्रभु के प्रेमी उदार दानी बन तर जाते। दैवी संपदा की रक्षा करो। दुर्जन क्या कहेंगे ये प्रश्न उठाओ, भगवान का मत क्या कहेगा ये प्रश्न उठाओ, संसार क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो, तब तुम सत्य दिशा में साधक। नारायण अभी भी से एक चर्चा समाप्त की जाती है, फिर शाम को उसको पहचान ले जो अपनी अनुभूति में सत्य दर्शन में स्वरूप दर्शन में बाधक दीवार बन रही। वो दीवार क्या है? एकमात्र अहंकार। आप लोग अगर याद रख सकते अहम तो सत्य है, लेकिन अहंकार जब मेरा मान लेता है आकार तब झूठ है। तुम पीछे जाके बैठो भाई, गड़बड़ क्यों करती हो, छोटे बालकों को लेके पीछे बैठो, वहां बैठ जाओ, पंखा चल रहा है। केवल अहंकार बाधक। हम तो कहते हैं भगवान से लोग धन मांगते हैं, भोग मांगते हैं, जाने क्या क्या मांगते हैं। आप जैसे साधक मांगे कुछ नहीं, केवल देखना शुरू करें और फिर ये तय कर लें बाधा क्या है, आकार, काम के आकार। कई बार बताया जा चुका है अहंकार क्या है, जहां मेरा कहा आकार बन गया। थोड़ी देर जब परमात्मा का ध्यान करते हो, स्वरूप का ध्यान करते हो, तो ध्यान से तुम मेरा हटा दो, मेरा याद ना हो, और फिर पता लगाओ क्या बचा। मेरा हटाने के बाद आकार नहीं बचेगा, केवल अहम ज्ञान बचेगा, और अहम ज्ञान जब शेष रहेगा तो अहम ज्ञान पर आत्मा से ही प्रस्फुटित हो रहा है। बड़ी छोटी सी और बड़ी भारी बात है, बशर्ते की बुद्धि पकड़ ले तो। न कहीं भागना है, न जाना है कुछ। अभी तो आपको न मुक्ति की जरूरत है, न भक्ति की जरूरत है, न शांति की जरूरत है। अभी सुख की जरूरत है, सुख के लिए सामान की जरूरत है, सामान के लिए धन की जरूरत है, और तीनों के साथ संयोग की जरूरत है, और इच्छित भोग की जरूरत है, और मरते मरते मान की जरूरत है और नाम की जरूरत है। भगवान से मिले तो उनसे भी मान देंगे, संसार से मिले तो उसके आगे भी दौड़ेंगे, गुरु महात्मा से मिले तो उसको उनको भी न छोड़ेंगे। सोच लेना, और जब तक ये जरूरत है तब तक हम अपनी महिमा को भूले हुए हैं, सत्य की महिमा को भूले हुए हैं, तब तक हम सत्संगी नहीं है, असत्संगी। होश दिया तुमने ही तो जब अहंकार को पहचाना, तुम वही प्रगट होते रहते रहता है भी सामने आता है जो कुछ भी सामने आता है।
क्षण में शक्ति नहीं तुझे, किस क्षण में शक्ति नहीं तुझे, किस कण में तुम्हारा निर्णय, दर्शन की दृष्टि। और दर्शन की दृष्टि क्या हुई? शुद्ध बुद्धि। भगवान कृष्ण को मानते हो तो उन्होंने कहा विश्वा, यानी बुद्धि की विशेषता है विशुद्धया बुद्धि, उसी तरह विशुद्ध बुद्धि ले जाए। दर्शन की दृष्टि आंख तो आकार को देखेगी और बुद्धि दृष्टि निराकार को पहचानेगी। ये आंखें तुमसे भटकते वे जिनको खोज में भटकते वे जिनको दर्शन का अभी सहूर नहीं, दर्शन का अभी सहूर नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें तुमको घर समझ नहीं। यह है समर्पण। हम क्या सोचेंगे, हमारी बुद्धि क्या सोचेगी? प्रार्थना करते हैं, जब हमें सही ज्ञान नहीं तो हम प्रार्थना क्या करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं गलत हो जाएंगी। शरणागत जिसे कहते हैं, एक बार अपने को दे दो, तुमसे ज़्यादा वो जानता है जिसमें सारा संसार। हम परेशान होते हैं प्रभु ऐसा करो ऐसा करो, जैसे वो नासमझ हो उसको बताते हैं, तुम्हें पता नहीं हम क्या चाहते हैं, कितनी हमारी प्रार्थनाएं झूठी बन जाती हैं। मुझको तो अपनी किस्मत के, मुझको तो अपनी किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं, जो ठीक वही तुम करते हो, जो ठीक वही तुम करते हो, मुख्तार हो तुम मजबूर नहीं, मुख्तार हो तुम मजबूर नहीं, सच्चिदानंद सबके प्रियतम है, सच्चिदानंद सबके प्रियतम भगवताया जब हम हैं तब तुम गुम हो, जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, हम गले की तुम बस तुम ही, हम गले की बस तुम ही तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो, सब ओर तुम ही, सब ओर तुम ही, सब पथिक और कुछ चाहिए, हमारे बंधन हमारे बनाए हुए हैं, और जो हमारा बनाया हुआ है, हमारा भगवान इतना ईमानदार है कि हमने जो बनाया है वो नहीं छीनेगा। तो सोच ले बात बड़ी तत्व की, जो हमने बनाया है वो भगवान भी नहीं छीनेगा, इंसान की कौन कहे। लेकिन ये भी याद रखना,
जो तुमने नहीं बनाया है और तुम्हें प्रकट की ओर से परमात्मा की प्रगत से मिला है वो तुमसे छिन जाए। लाख कोशिश करो, जो तुमने नहीं बनाया है वो प्रकृति का से मिला है और जो प्रकट से मिला है वो तुमसे छिन जाएगा, तैयार रहना। अब तुमने बनाया है वो कभी न छिनेगा, बड़ा निर्णय कर लो तुमने क्या बनाया। बड़ा छोटा सा प्रश्न है और 30-30 बरस सत्संग करते बीत गए, ये न सोच पाए कि हमने क्या बनाया, परमात्मा से क्या मिला और परमात्मा की प्रकट से क्या मिला, प्रश्न छूटा ही नहीं। आज समझ लो अगर याद रह जाए, पहले मैंने कह दिया था मुक्ति भक्ति शांत तो हम लोग चाहते हैं लेकिन कभी तो जरूरत पड़ेगी, क्यों, जहाँ हो वहाँ रह न सकोगे और जिसको अपना मानते हो रह न सकेगा, तब क्या होगा, हाय हाय कि वाह वाह, कुछ समय जरूरत पड़ेगी, तब सोच लेना ईमानदारी के साथ कि जो हमने नहीं बनाया वो परमात्मा की प्रकट से मिला है, जो प्रकट से मिला है एक नियम से मिलेगा और नियम से छूटेगा। लाख कोशिश करो बच नहीं सकता, तुम्हारे काले बाल सब सबके सफ़ेद हो जाएंगे, तुम्हारे हो गए हमारे भी हो गए, इनके भी नहीं हुए तो जैसे ऐसे ही बने रहेंगे, कुछ न रह जाएगा जो तुम्हें प्रकट से मिला है। इतनी निर्भयता के साथ तैयार रहो, हमारी गांठ का क्या है जो जाएगा, अब तुम्हारी गांठ का है वो भगवान भी न छीन लें, इतना फैसला तो कर लो। तीसरा प्रश्न एक और है, जो परमात्मा से मिला है वो कभी न छूटेगा। तीन, जो परमात्मा से मिला है कभी न छूटेगा। अगर तीन प्रश्न हल कर लो, क्यों बाबू जी पीछे बैठे हो, तीन प्रश्न, परमात्मा से क्या मिला है कभी न छूटेगा, परमात्मा से जो मिला है कभी न छूटेगा, हे भगवान तुम बेकारे बैठे हो पीछे। परमात्मा से जो मिला है कभी न छूटेगा, निश्चिंत रहो निर्भय रहो, और संसार से मिला है रहेगा ही नहीं। संसार से जो मिला है वो रहेगा ही नहीं, और तुमने बनाया है तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा साफ मामला है, आज से तय कर लो, प्रकट से जो मिला है आ जाने दो। बड़ी सरल सरल बातें हैं और इनको समझ लो सारा भटकना तुम्हारा बंद हो जाए। इंसान के साथ बेईमानी करने वाले तो शायद आप लोग नहीं हैं लेकिन भगवान के साथ बेईमानी करने वाले सब लोग हैं और सबसे पहले हम, आप नाराज नहीं हो तो। भगवान के साथ बेईमानी क्या है, जो भगवान से मिला उसको जानते नहीं और भगवान के विधान से माया से मिला उसको अपना मानते हैं और हमने बनाया उसका पता ही नहीं लगा। कोई संसार में संत महात्मा नहीं, कोई गीता वेद नहीं जो तीन बातें समझे बिना हमारे दुख कोई मिटा सके, ये दुख हमारे द्वारा मिट जाएंगे। आपने जो बनाया है वो आपको ही हटाना पड़ेगा और जो परमात्मा की प्रकट से मिला है उसको हटाना ना पड़ेगा, आप ही आप हट जाए, तैयार रहना। जो शरीर मिला है, जो शक्ति मिली, जो नाम रूप मिले हैं, जो माया मिली है, धन मिला है, धूम मिला है, जो मिला है उनको छोड़ना ना पड़ेगा, सब छूट जाए, तो तैयार रहो तब छूटता है। और घबरा न जाना, जो मिला है वही छूटेगा, लेकिन ये याद रखना तुरंत परमात्मा से जो मिला है कभी नहीं छूटेगा। अगर ये भूल गए तो वापस परमात्मा से जो मिला है कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि परमात्मा नित्य है, निरंतर है, अभी है, यही है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सबका है, सब में है, कभी नहीं छूटेगा। तो परमात्मा तुम्हारे साथ किस रूप में है, जड़ के रूप में कि चेतन के रूप में, और चेतन कभी छूटेगा, गलत उत्तर दे रहे हो क्या, चेतन कभी छूटेगा कि नहीं, अगर मृत्यु आएगी तब छूटेगा कि नहीं, ये इतना जानते हो, अरे तब फिर हाय हाय काय करते हो, काय करते हो, तब तो तुम बड़े धोखे में। परमात्मा अनित्य अखंड चेतन कभी न छूटेगा, तुम कहोगे मर जाएंगे, मरेगा कौन, कबीर साहब कहते हैं पांच तत्व का पुत्रा, पुत्रा के जो भी शरीर
फिर वाही में गमन, उसी में फिर गमन गमन हो रहा है। मैं तू ही पूछू पंडिता या मैं मर गया कौन कौन मरा? पांच का शरीर यहाँ छूट गया और फिर पांच के शरीर में जा रहा है, मरा कौन? तुम कभी न मरोगे, तुम अविनाशी हो। लेकिन भूल क्या हुई, विनाशी को अपना रूप मानने बैठे हो। और कहते हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हम सत्संग करते हैं, अब विनाशी मेरा, मैं काला गोरा मोटा दुबला, अब बताओ इस तुम्हारी मन की माया को कौन हटा पाए? तो क्या करो, विनाशी में अविनाशी को जान लो। कहाँ, जब सत्संग मिल जाए तब, और कुछ न करना, न छोड़ना न पकड़ना, विनाशी में अविनाशी को जान। पति के विनाशी शरीर में अविनाशी, पत्नी के विनाशी शरीर में अविनाशी, पुत्र और नाती नाती पोता सबके शरीर विनाशी शरीर में, जहाँ आंखों से विनाशी दिखता वहीं तुम्हें ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से अविनाशी। कितना सरल है, आत्मा देह को देखो और विनाशी देह में अविनाशी चेतन आत्मा को देखो। वो आत्मा तुम हो कि और कोई? अहम आत्मा, अहम आत्मा, अहम आत्मा। तुम राम राम जपो हम मना नहीं करते, कृष्ण कृष्ण जपो हम मना नहीं करते, कोई खुदा जपे कोई अल्लाह जपे हम, कहते हैं थोड़ी देर अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। जैसे सोहम सोहम कहते हो, शिवोहम कहते हो, ठीक है, लेकिन धोखे में ना रहना, कहीं ऊपर ऊपर तो शिवोहम नहीं निकल रहा, भीतर देहो हम ऊपर तो गड़बड़ हो जाए। संतों ने मनुष्य को जागृत संदेश दिया है, पशु को जगाना नहीं पड़ता, मनुष्य को जगाना पड़ता है। संतों का निर्णय है, मोह निशा जग सोवन हारा, सारा जग मोह रूपी रात्रि में सो रहा है, देखत स्वप्न विचित्र प्रकारा, और सुख दुख के सपने देख रहा है। उन सपनों में जगाने वाले, सपनों से जगाने वाले संत महात्मा सावधान करते हैं, जागो जागो, और परिचय भी देते हैं, जानिए तबन जीव जग जागा। जागृत का परिचय क्या है, जानिए तबन जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय यानी आसक्तियों से विराग हो जाता है, तब जानो ये जागृति है। मोह निशा जग सोवन हारा, सारा जग मोह निद्रा में सो रहा है, सुख दुख के सपने देख रहा है। तो जागृत संदेश केवल मानव के लिए है, पशु के लिए नहीं। लेकिन मानव जागृत संदेश सुन करके भी यदि बुद्धि विकसित नहीं है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मानव आकृति को मानव नहीं कहते, विद्वानों के मत में विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है। मानव आकृति में शक्ति हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, परिवार हो सकता है, लेकिन विवेक न हो तो मानव आकृति में मानव नहीं हो सकता। मानव आकृति में पशु वृत्तियां काम करती रहती हैं, मानव आकृति में आसुरी वृत्तियां काम करती रहती हैं, मानवता के विकास में दैवी वृत्तियां काम करती हैं, उसको मानव कहते हैं। मानव, उस मानव में जागृति का परिचय धर्म से मिलता है। धर्म का मतलब केवल मानी हुई पद्धतियां नहीं है, धर्म का अर्थ है जिसमें जागृति हो, और जागृत का अर्थ है जिसका धर्म का विवेक हो, और धर्म विवेक का अर्थ है पशु प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति को में विजय प्राप्त करके वो शक्ति मानवता मानवीय गुणों के विकास में लग जाए, दैवी गुणों के प्रकाश में लग जाए, ये मानव की जागृति का परिचय है। समझ लेना चाहिए, मनुष्य जाग रहा है, मोह निशा इसकी छूट गई है। तो संत जागृति संदेश देते हैं। हम लोग यदि जाग जाए, जागे नहीं होते तो यही ना आते, जागे नहीं होते तो ये परमार्थ अपने जीवन के परम हित का संदेश न सुनते। लोभी नहीं जागता, मोही नहीं जागता, अभिमानी नहीं जागता, कामी नहीं जागता, इनके परिणाम को परिणाम में दुख का दर्शन करते हुए जो मानव गुणों के विकास का दोषों के नाश का प्रयत्न करता है वो जागता है। और गुणों का विकास अथवा दोषों का नाश केवल विवेक से होता है। वो विवेक संत का निर्णय है, हो विवेक मोह भ्रम भागा,
और बिन सत्संग विवेक नहीं हुई, संतों के संग बिना विवेक नहीं होता। तो संत का मतलब केवल वेश ही है, संत का मतलब जो सत्य से मिले हुए भक्त हैं। भक्त का मतलब मंदिर जाना मात्र नहीं है, भक्त का मतलब जो भगवान से जिनकी, परमात्मा से जिनकी भिन्नता मिट गई, भिन्नता सत्य से भिन्नता के मिट जाना ही भक्त होने के लक्षण है। संसार में अपना कुछ न मानना ही मुक्त होने के लक्षण है। मुक्त वही है जो संसार में अपना कुछ नहीं मानता, और संसार में जो अपना कुछ नहीं मानता उसमें फिर लोभ क्यों होगा, मोह क्यों होता होगा, अभिमान क्यों होगा। दोषों की निवृत्ति ही जागृति का परिचय है, और ये दोषों की निवृत्ति विवेक से होती है। विवेक संत संग से होता है, कब, जब बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि के लक्षण हैं जो संसार में अपना कुछ नहीं मानता, सब कुछ भगवान का जान करके, भगवान का जान करके, मान करके नहीं, अपना कुछ नहीं मानता। कब, जब भगवान का सब कुछ जानता है, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है, तब उसके अंदर ये मोह लोभ अभिमान आदि नहीं रह जाते। हमें जो परमात्मा से प्रेम मिला है, प्रेम और ज्ञान और शक्ति तीन चीज़ें परमात्मा से मिलती हैं। अहंकार अपनी मानी बैठा है, यही अज्ञान है। परमात्मा प्रेममय है, परमात्मा ज्ञानमय है, परमात्मा शक्तिमय है। उसी शक्ति से सारे संसार में ये सब क्रियाएँ हो, कर्म हो रहे हैं। उसी ज्ञान से समझ समझ करके मनुष्य कुछ प्राप्त करना चाहता है, और प्रेम से तन्मय होकर के सुखास्वाद लेता है। सुख का स्वाद प्रेम से आता है, और पदार्थों की प्राप्ति ज्ञान से होती है, और उनका भोग शक्ति से होता है। शक्ति, ज्ञान, प्रेम, ये तीनों, अहंकार अपना अधिकार जमाए बैठा है अज्ञान में, लेकिन हैं ये शक्ति परमात्मा, शक्तिमान परमात्मा की है। ज्ञान, ज्ञान अखंड ज्ञान स्वरूप परमात्मा का है, और प्रेम पूर्ण प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रेम है। ये हमारे साथ क्यों है, क्योंकि संत का निर्णय है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव संसार का नहीं है, जीव परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, विनाशी नहीं है। लेकिन संत संग में विवेक न होने के कारण जहाँ तक मरने का भय है, ये देह का संग है। देह छूटती है, चेतना में कभी मृत्यु नहीं पहुँचती, चेतना को मृत्यु छू ही नहीं सकते। ये ऐसा विवेक जिसे हो जाता है, उसी का मोह भ्रम दूर होता है। मोह भ्रम दूर होने से ज्ञान और प्रेम दोनों बच जाते हैं। ज्ञान बच गया तो मुक्त हो गया, प्रेम बच गया तो आनंद में पहुंच गया। प्रेम से आनंद की अनुभूति होती है, ज्ञान से बंधन का, स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। हम कामनाओं से हम जीव रूप में सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं, वस्तुओं, व्यक्तियों के अधीन होकर के परतंत्र हो रहे हैं, केवल सुखा सकते हैं बस। हम मानते हैं हमें माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, धन संपदा, भूमि भवन से सुख मिलता है। जहाँ तक हम कहीं अपने से भिन्न में सुख मानते हैं, तब तक हम विवेक युक्त जीवन नहीं बिता रहे हैं। जहाँ तक हमें अपना किसी से हमें सुख मालूम होता है, इसी से पराधीन है। गांव के लोग भी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाही, पराधीन सपनों सुख नाही, लेकिन ये नहीं सोच पाते सर कि पराधीन बनाया किससे। परमात्मा ऐसा कठोर नहीं है, निर्दयी नहीं है जो हमें पराधीन बना दिया है। जीव परमात्मा से विमुख होकर के परमात्मा की शक्ति और ज्ञान प्रेम को अपना मान करके अहंकार से भोगी बना हुआ है। वो जब वस्तु में सुख मानता है तो लोभी बन जाता है, जब व्यक्तियों में सुख मानता है तो मोही बन जाता है, अधिकार में सुख मानता है तो अभिमानी बन जाता है। देखो दोष कहाँ से बन गए, अपने मानने के कारण बन गए। अपना क्यों मानता है जीव, क्योंकि जानता नहीं कि ये सब अखंड अनंत शक्तिमान अखंड ज्ञान स्वरूप परम प्रेम स्वरूप परमात्मा से मिला है, ये नहीं जानता। ये जानना संतों के संग से होता है। संतों के संग में पहुंच करके भी यदि बुद्धि विकसित नहीं होती, बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से सड़ी होती है, तो साधारण मनुष्य की कौन कहे। आपने कथाएं सुनी होगी, परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा कृष्ण और महाधनुर्धारी वीर आत्मा अर्जुन, उनकी बुद्धि जब मोह से सड़ी थी तब भी उनको सत्य का पता न था, अपने कर्तव्य का पता न था। भगवान से कह, ये तो कह देते हैं होशाली पर, शिष्यस्ते हैं साधमान त्वांग प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए।
और फिर थोड़ी देर बाद कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब ये शरण ही जो अहंकार शरणागत हो जाता है वो फिर अपनी इच्छा की पक्ष क्यों लेगा, लेकिन अर्जुन पक्ष ले रहे हैं। तब भगवान अर्जुन को थोड़ा हंस करके कहते हैं, तुम पंडितों की तो बातें करते हो, मैं त्रिलोक के राज के लिए भी बंधु बांधवों को मार करके युद्ध नहीं सुख चाहता, और ये जो कहते तो ये मौत में किसका है, मार करके तुम किसी को मारोगे, किसी को मारोगे यही भ्रम है। प्रत्येक जीव मृत्यु के पथ में चल रहा है, प्रत्येक जीव के साथ संबंध होता है, ये संयोग है, और मृत्यु में संबंध का भी योग होता है। मृत्यु किसकी होती है, मृत्यु का मतलब अभाव नहीं है, मृत्यु में अभाव नहीं हो जाता, खाली शरीर बदल जाता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं हंस करके कि तुम पंडितों की सीधी बातें करते हो, जैसे बड़ा विराग है, बड़े त्यागी हो, बड़े परोपकारी हो, और तुम्हारा ये मोह क्या बता रहा था, मोह बता रहा है तुम्हें विवेक नहीं है, जो अपना नहीं उसे अपना मानते हो, और जो तुम अपना है उसे जानते नहीं हो। मानने और जानने में ये अंतर है। ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि द्वारा जाना जाता है, अज्ञान में मन के द्वारा सुन सुन करके माना जाता है। बाल्यकाल से जब बालक ने सुना, माता पिता ने बताया, बेटा ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे बंधु हैं, ये तुम्हारे पड़ोस में शत्रु हैं, जो सुना वही मान लिया। बालक के पास बुद्धि तो होती नहीं, सुनता है मान लेता है, लेकिन बुद्धि के विकास होने पर मानने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि बड़ी से बड़ी आय होने पर वो मानना समाप्त नहीं होता, और जब तक मानना समाप्त नहीं होता तब तक मोह लोभ अभिमान कामना का भी अंत नहीं होता, और जब तक इन दोषों का अंत नहीं होता तब तक कितना ही कुछ जीव करे, पूजा करे, पाठ करे, भगवान के दर्शन करे, तीर्थ यात्रा करे, लेकिन मोह लोभ अभिमान आदि दोषों का अंत नहीं होता। दोषों का अंत कैसे होता है, जब विवेक होता है, विवेक से ही मोह भ्रम का अंत होता है। मन में भ्रम है, बुद्धि में अविवेक है, तो मोह और भ्रम का अंत होने पर फिर प्रेम बच जाता है, वो प्रेम राग के बजाय अनुराग हो जाता है। अपने से भिन्न को चाहना राग है, और जिससे हमें प्रेम मिला है उसकी तरफ प्रेम को मोड़ देना अनुराग है। अनुराग शब्द बड़ा गंभीर अर्थ रखता है, अनुराग और राग। अपने से भिन्न वस्तुओं में व्यक्तियों में राग होता है, और जो हमसे कभी भिन्न नहीं हुआ, जिससे ही हमको सब कुछ मिला है, प्रेम मिला है, ज्ञान मिला है, शक्ति मिली है, उसकी तरफ प्रेम को मोड़ देना अनुराग है, और अनुराग होने पर उसकी आज्ञा अनुसार करना, ज्ञान के अनुसार आज्ञा अनुसार करना ही मुक्ति का पथ है। वही मुक्त होता है जो ज्ञान की बात मानता है, बंधन में वो पड़ता है जो ज्ञान की बात न मान करके मन से मान लेता है। मन से मान लेने पर ही मोह होता है, लोभ होता है, अभिमान होता है, कामनाएं बढ़ती है, यही संसार का रास्ता है, इसी में जीव बंधा हुआ है। हम लोग अगर मुक्त होना चाहते हैं तो ज्ञान में देखने की आदत डालें। पकड़ने की आदत तो बचपन से है, मेरा जहां तक कहते हैं ये पकड़ना हुआ, उस पकड़े हुए को जब ज्ञान में देखा तो पता चला मेरा तो अधिकार अपने शरीर पर नहीं है, जो अपने तन पर अधिकार नहीं है, दूसरे शरीरों पर हमारा अधिकार होगा, और जब दूसरे शरीर पर अधिकार नहीं होगा और फिर अधिकार मानेंगे तो अहंकार तो पुष्ट होता रहेगा। इसीलिए अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्विमा शांतो, जो ज्ञान में देखते हैं वो काम क्रोध लोभ मोह अभिमान आदि से मुक्त होकर के शांत हो जाते हैं, पहले शांत होते हैं। शांत होने पर बुद्धि के द्वारा अखंड ब्रह्म तत्व का, व्यापक तत्व का ज्ञान होता है। तभी गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, उसकी प्रसन्नता दूसरे पर निर्भर नहीं होती, अपने आप में आनंदित रहता है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, न वो गए हुए का शोक करता है और नहीं मिला है उसकी न कांक्षा करता है। यह है ज्ञान का परिचय। जो शोक करता है वो ज्ञान में नहीं है, ये मिल जाए ऐसी कांक्षा करता है वो भी ज्ञान में नहीं देखता। ज्ञान में देखता तो जो मिला है वही छूट जाएगा, और मिलेगा तो क्या रह जाएगा। लेकिन संसार के लाखों प्राणी कुछ पाना चाहते हैं, और जब मिलता है तो उसे बचाना चाहते हैं। ज्ञान एक तरफ, गीता रामायण के पाठ एक तरफ, लेकिन जब तक कुछ पाने की कामना है सुख के लिए और मिले मिले को बचाने की कामना है, तब तक ज्ञान में देखना नहीं आया, पकड़ना आ गया मेरा,
मेरा है वो बना रहे, और जो मेरा नहीं है दूसरे के पास है वो मेरा हो जाए। ये तृष्णा, ये राग, ये अभिमान जीव को बांधे हुए है। हो विवेक मोह भ्रम भागा, बुद्धि में मोह है देख नहीं पाती, मन में भ्रम है जो अपना नहीं से अपना मानता चला जाता है। ये मोह और भ्रम विवेक से दूर होता है, तभी बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग का मतलब है संतों के संग में सत असत का निर्णय, ये सत है ये सत है ऐसा जो निर्णय कर लेता है वो मोह भ्रम से मुक्त हो जाता है। तो हम लोग अगर विचार न करेंगे तो सुनते रहेंगे, और सुनते हुए अगर बुद्धि से न समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ज्ञान में दर्शन नहीं होगा। सुनना अच्छा लगता है, तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, देखते दर्शन करते हैं, कुछ उदारतापूर्वक फल फूल भी चढ़ाते हैं, संत महात्माओं से मिलते हैं, लेकिन बुद्धि अगर शुद्ध नहीं है तो संतों महात्माओं के संग से जो विवेक होना चाहिए, और जिस विवेक का परिणाम है हो विवेक मोह भ्रम भागा, बुद्धि का मोह दूर हो जाए, मन में भ्रम रह जाए, तब अनुराग तब प्रेम उसके प्रति होता है जिससे हमको मिला है। प्रेम परमात्मा से मिला है लेकिन हम अपना मान ही बैठे, तो उसके प्रति हमारा प्रेम लौट जाता है जिससे हमें सब कुछ मिला है, इसको अनुराग कहते हैं। इस अनुराग से फिर भक्ति मिलती है। मेरे रघुपति बिन अनुरागा कि एक कोटि जप जाग विरागा, संत का भी निर्णय है। हम लोग रागी तो हुए लेकिन अनुरागी नहीं है, क्योंकि हम प्रेमी बने हुए हैं। अहंकार हमारा प्रेमी बना है, ज्ञानी बना है, कुछ छोड़ दिया त्यागी बना है, कुछ सह लिया तपस्वी बना है। जहां तक अहंकार बनता है तहां तक ये बना हुआ अहंकार भोगता होता है। इस भोग से मुक्ति कब मिलती है? जब दुख की कृपा होती है। सुख में तो बनता चला जाता है लेकिन दुख से बचता है। और काली कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा, संत भी सावधान करते हैं कि अज्ञानी आदमी कभी समय को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को दोष देता है। हमारे भाग्य में ही बता था भगवान ने यही कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन भूल गया कि अपने कर्म के परिणाम हम भोग रहे हैं। अज्ञान ने हमने कर्म किए हैं, और अज्ञान में कर्म करते हुए अज्ञान ने हमने अपने को मान लिया है, अपने को मान लिया है, ज्ञान न होने के कारण मान लिया है। वास्तव में अपने कुछ है नहीं, हमने कुछ बनाया नहीं, जन्म से जो मिला मिलता ही चला गया, और जो मिलता गया तन मिला, इंद्रियां मिली, मन मिला, बुद्धि मिली, इसको अपना माना, उससे परिवार मिला, परिवार के संबंधों को अपना माना, अपने मान मान करके हम लोग मानी तो बदलते गए। अब ज्ञान मैंने देखा कि मेरा कुछ नहीं। आज भी देखो हम लोग सुन रहे हैं, आदत आसानी से छूटेगी नहीं। पड़ोसी का मकान, उनकी धन संपत्ति तो मालूम होगा उनकी ही मेरी नहीं, लेकिन मैंने जो अपनी माना है मेरी ही मालूम होगी। मेरी मालूम होगी तब तक हम मोही लोभी अभिमानी और सुख के कामी बने ही रहेंगे। ज्ञान के प्रकाश में देखने पर पता चलता है जीवन में जो कुछ मिला है वो मैंने नहीं बनाया, बना बनाया मिला है।